तो भोरमदेव मंदिर के लिए सावन के तीसरे सोमवार यानी 1 अगस्त पर महादेव पर जल अर्पित करने के लिए आज सैकड़ों कांवरियों ने ग्राम खिलौरा से पदयात्रा शुरू कर दी है। कांवरियों के सकुशल यात्रा के लिए किसान नेता योगेश तिवारी ने ग्राम खिलौरा के माँ शीतला मंदिर से में पूजा अर्चना की और कांवरियों को भोरमदेव के लिए रवाना किया, साथ ही उनके सकुशल और स्वस्थ पहुँचने की भी कामना की है। छत्तीसगढ़ के पुरातत्व धार्मिक पर्यटन और जन आस्था के रूप में विख्यात ऐतिहासिक महत्व के स्थल भोरमदेव मंदिर तक की यह पदयात्रा सदियों से चली आ रही है। कोविड-19 की संक्रमण बढ़ने के कारण पदयात्रा पिछले 2 वर्ष तक स्थगित था। बेमित्रा के करीब ग्राम खिलौरा से सैकड़ों कांवरियों ने महादेव मंदिर भोरमदेव मंदिर तक की पदयात्रा के लिए निकले और पदयात्रा के लिए जगह जगह पर चिकित्सक सहित उपचार की पूरी व्यवस्था की गई है और जगह जगह निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था की गई है। खुशहाली के लिए गांव के खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। सावन का महीना है, यहाँ से पैदल यात्रा करेंगे। उसको मैं रवाना करने के आया हूँ। मैं भी अपने युवा नौजवान साथी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे पुण्य का काम करने के लिए जा रहे हैं। आप सबके लिए प्रार्थना करें ताकि कोरोना जैसे महामारी हमारे बेमेतरा छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान से बिल्कुल दूर हो जाए। हम सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, यही मनोकामना हम लोग सब करते हैं। उसके लिए सब लोग जा रहे हैं।